हजारों बार समस्या ऐसी बापू बन के आएगी कि कई तो ऐसे आएंगी जो विकराल होंगी, लेकिन आपकी सालों की प्रैक्टिस। अच्छा, पूरे साल जो बच्चा पढ़ाई नहीं करे तो परीक्षा में क्या हाल होगा? पहले तो सुनो, जो पूरे साल पढ़ाई करे उसकी भी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में निकलेगा। पहले तो ये सुन लो आप कि पूरे साल जो तैयारी करे उसकी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में क्या होगा। तो उन कालियों का क्या होगा रे जो पूरे साल तैयारी नहीं करें, बताओ? तो समस्या से लड़ने की अगर पूरी जिंदगी तैयारी नहीं की तो कोई एक ऐसी आएगी आपका सूप प्रसाद कर जाए। तभी तो कई बोल रहे थे साहब मरने का ही मन कर गया था, ये हो गया। अरे नहीं रे, तू तीन लोग का नाथ तेरे अंदर विराजमान है, तू मर के कहां जा रहा है? जीरो शुरू करेगा क्या वापस? कभी घबराना नहीं ऐसे। एक आदमी तो, एक लड़का था एमए में फेल हो गया तो सुसाइड करने जा रहा था, तो नदी के पास कूदने वाला था, जितने में एक आदमी आके पूछा क्यों क्या हुआ? मैं एमए में फेल हो गया, अब मैं मरूंगा। तो उसने बोला तो फिर अब एलकेजी से दोबारा पढ़ेगा क्या? कि क्या मतलब कि तू मरेगा तो तू परमानेंट थोड़ी मरेगा, तू जन्मेगा भी तो सही, फिर से एलकेजी से जाए? और बारे में एमए दोबारा दे लूंगा, मैं एमए दोबारा पढ़ लूंगा, मेरा जीरो से नहीं पढ़ूंगा मैं। लाइफ का एंड करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, दुखों से दुखी हो जाता है, फिर मरने जाता है, ये सोचता है दुखों से मुक्ति हो जाऊंगा। नहीं, अगले क्षण तेरा जो जन्म होगा, क्योंकि ध्यान रखना समाप्ति उत्पत्ति की पहले इशारा कर देती है, उसके एक सेकंड बाद जो होने वाला है वो इससे करोड़ गुना दुख में प्रकट होने वाले हो। कभी आत्महत्या का विचार मत करना, असली मर्द वो है जो दुनिया आ जाए चाहे। मरने का विचार कभी मत लाना, तुम जीत जाओगे इस दुनिया को एक दिन। ऐसा गंदा विचार कभी नहीं लाना, कभी नहीं लाना।